दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है पीएचडी को लेकर, पीएचडी पे आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर करने की हमने कोशिश की है, बट अभी रिसेंट में जो भी एंट्रेंस डिक्लेयर हुआ अभी महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई कि पहले जो हमने पॉडकास्ट किया यूनिवर्सिटी के साथ या आपको जो कुछ हमने बताया था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, काफी डिटेल पहले ही हमने शेयर की थी, तो उन वीडियोस को देखकर काफी स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया कि इस यूनिवर्सिटी का जो भी एंट्रेंस होने वाला है उसके बारे में बताएं, कब एंट्रेंस होगा, फीस क्या है और भी कई सारे डिटेल्स। तो आज अपने इस वीडियो में हम महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, उसके पीएचडी के कोर्स के बारे में बात करेंगे, क्या एंट्रेंस बोलता है और यूनिवर्सिटी किस तरह से मान्य है, यूनिवर्सिटी मान्य है कि नहीं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों होता क्या है कि हमने पहले जो पीएचडी की बहुत सारी जो वीडियोस अब तक बनाई है, पीएचडी पर हमने वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी पर बनाई, मुनार यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाई, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक हमने वीडियो बनाई है, पर हमने जब भी आपको बताया है पीएचडी के बारे में तो कोशिश की है आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। अब दोस्तों महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल पीएचडी में एडमिशन ले सकती है, एंट्रेंस डिक्लेयर कर सकती है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है, ये महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये भी एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। कैसे चेक करेंगे दोस्तों? यूजीसी पर चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप जाइए गूगल पर, आप टाइप कीजिए यूजीसी, यूजीसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर www.ugc.gov.in, यहाँ पर ये वेबसाइट है जो कि यूजीसी की वेबसाइट है। HEIS पे आप जाएंगे, यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो आप जैसे ही यहाँ पर जाते हैं ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्लिक करें, क्लिक करने के बाद 482 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखाता है। इसी में आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे उत्तराखंड ढूंढते हैं तो उत्तराखंड में जाने के बाद में ये रहा उत्तराखंड, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सभी यूनिवर्सिटीज के नाम आपके सामने आ जाते हैं। अब यहीं पर अगर आप ढूंढना है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, 232 नंबर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल में है, यूनिवर्सिटी सेक्शन 2F के तहत बनी है जैसे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती है। व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करें, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है, ये महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये 2016 में दोस्तों यूनिवर्सिटी ये बनी है और बाकी सब चीजें यहाँ पे अपडेट है, आप देख सकते हैं। इसके लिए और भी ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, पहली बात तो ये कि दोस्तों जो यूजीसी की साइट पर वेबसाइट है सिर्फ उसी पर बिलीव करें, व्यू वेबसाइट पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जाकर जैसे ही आप व्यू वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है hgu.ac.in, ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, तो वेबसाइट हमने पहले से खोली हुई है, ये है hgu.ac.in। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रोग्राम है पीएचडी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती है दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनने के बाद में वो सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज, यूजीपीजी कोर्सेज और पीएचडी में एडमिशन ले सकती है, यूनिवर्सिटी को परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आकर रिसर्च में आप जाएंगे, रिसर्च में आप जैसे यहाँ पर जाते हैं तो रिसर्च में आने के बाद में सबसे पहले आप देखिए कि यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आप अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो यहीं से आपको फॉर्म फिल करके यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। यूनिवर्सिटी किस किस डिसिप्लिन में यहाँ पर करवाती है पीएचडी, तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ह्यूमैनिटीज में है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी और योगा। योगा हालांकि काफी डिमांडिंग एक सब्जेक्ट है क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सिटीज में है नहीं, फिजिकल एजुकेशन भी उन्हीं में से एक है, ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं करवाती है, तो लाइफ साइंस भी आप एक बोल सकते हो जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। साथ में साइंस में कौन कौन से हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, तो इन सब्जेक्ट में भी आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी मेंशन करती है। साथ में कॉमर्स में और मैनेजमेंट में एडमिशन ले पाएंगे, फार्मेसी में एडमिशन ले पाएंगे, लॉ में एडमिशन ले पाएंगे, ये कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन है, डिसिप्लिन मेंशन है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसने अपना जो एंट्रेंस अभी डिक्लेयर जो किया है अपना, ये यूनिवर्सिटी की कुछ अकाउंट डिटेल्स हैं जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन की पेमेंट आप डालेंगे। यूनिवर्सिटी के पास जो एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट है वो है 30 जून, हालांकि जहां तक मैं जानता हूं ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन डेट्स को एक्सटेंड कर देती हैं, और यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करवाएगी एंट्रेंस वो होगा 14th of July को संडे को,
तो ये सब डिटेल्स हैं जो रजिस्ट्रार के थ्रू जो यहाँ पे अपलोड की गई है वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन ले लें, जब भी एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से पड़ताल करें, बहुत अच्छे से जान लें, ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल ना कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एडमिशन तो ले लिया पर अवार्ड ना हो, क्योंकि हमारा मानना है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि यूनिवर्सिटीज एडमिशन तो ले लेती है बट अवार्ड के नाम पर ये लोग सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने ऐसी देखी हैं। तो यूनिवर्सिटी अगर सिस्टम से कोई काम करवा रही है तो एडमिशन लेने में कोई बुराई नहीं। 24-25 का ये एंट्रेंस है, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी मान्य है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को विजिट आप जरूर करें। रजिस्ट्रेशन तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं बट आप जब ये कंप्लीट करेंगे अपना एक कोर्स, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, डीन ऑफ रिसर्च है, इन लोगों से आपको मिलना चाहिए आप जब रिसर्च करेंगे, क्योंकि बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर और भी पड़ी है, यहाँ पर जाकर आप और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पीएचडी अवार्ड किस किस को हुई है, यूनिवर्सिटी की फीस की अगर हम बात करें तो 1 लाख पर ईयर की फीस है, ऐसा हमने सुना है जो हमारे पास स्टूडेंट्स ने डिटेल भेजी। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपनी जो फीस है वो कहीं मेंशन यहाँ की नहीं है, हमने पूरी वेबसाइट को देखा था तो यहाँ पर कहीं फी डिटेल में मेंशन नहीं है। अब जैसे फी डिटेल में आप जाओगे तो फी डिटेल में जाने के बाद ये ब्लैंक है फिलहाल अभी, बट 1 लाख पर ईयर इस यूनिवर्सिटी की फीस है। बाकी आप एडमिशन लेने से पहले बहुत तसल्ली अपनी कर ले तभी आप एडमिशन ले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई जानकारी आप चाहते हैं, एडमिशन रिलेटेड कोई आपकी इंक्वायरी है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या जो भी सवाल है सवालों को पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।